मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज़ में। आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से IAS राजशेखर द्वारा कई सारे गंभीर आरोप हाल फिलहाल में लगाए गए थे कि जो शीश महल से जुड़ा हुआ फाइल है, शराब घोटाले से जुड़ी हुई फाइल है, उन फाइलों में छेड़छाड़ हुई है और उन्होंने जासूसी के आरोप लगाए थे, और इसी संदर्भ में अब ऐसे CCTV फुटेज सामने आए हैं जो कि हैरान कर देने वाले हैं। और इस CCTV फुटेज के सामने आने के बाद BJP आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज से इस्तीफा मांग रहे हैं। आखिर क्या है इन CCTV फुटेज में, क्या है यह पूरी कहानी, विस्तार से समझिए। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर एक और बड़ा खुलासा जो है अब हुआ है। कहा जा रहा है कि सतकट्टा विभाग के IAS अधिकारी राजशेखर के कक्ष से घुसकर कुछ लोगों ने फाइल को इधर उधर करते नजर आए हैं, और इसको लेकर दिल्ली सचिवालय का CCTV फुटेज जो है सबके सामने आने की बात कही जा रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई स्टिंग ऑपरेशन कर चुकी टाइम्स नाउ नव भारत ने ऑपरेशन शीश महल पार्ट 8 में दावा किया कि रात में करीब 2 बजे कुछ लोग IAS अधिकारी राजशेखर के कक्ष में घुसकर फाइलों के बंडल को इधर उधर करते दिखाई दे रहे हैं। सामने आए वीडियो में 3 व्यक्ति सतकर्ता विभाग के अधिकारी और IAS राजशेखर के केबिन कमरा नंबर 403 से निकलते दिखे। ये लोग रात 2 बजे से लेकर 2:36 के बीच उनके कैबिन में घुसकर कुछ फाइलें लेकर निकले। हालांकि ऑपरेशन शीश महल में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये लोग फाइलें लेकर कहां गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस तरह से किसी अधिकारी के दफ्तर में रात को जाना अपराध है। उधर भाजपा प्रवक्ता आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली CM को अब तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, वे तो कहते थे कि आरोप लगते ही इस्तीफा होना चाहिए, कट्टर ईमानदार का सच सामने आ गया है। हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी तरह की FIR दर्ज कराने की बात सामने नहीं आई है। बता दें आपको, विजिलेंस के विशेष सचिवालय सचिव जो है YVVJ राजशेखर ने 16 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और उपराज्यपाल कार्यालय को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज के इशारे पर उनके कार्यालय में रात में तोड़फोड़ की गई। आबकारी नीति की जांच और CM आवास के नवीनीकरण जैसे संवेदनशील फाइलों की फोटोकॉपी की गई। दरअसल अरविंद केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पिछले सप्ताह ही राजशेखर को हटा दिया था। इसके बाद 15 से 16 मई की रात 3 बजे करीब दिल्ली के सचिवालय में विशेष सचिव के कमरा नंबर 403 को तोड़ दिया गया। पत्र में यह भी आशंका व्यक्त की गई कि उनके कार्यालय की जासूसी हो सकती है। अपने पत्र में राजशेखर ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सहायक निर्देशों को भ्रष्टाचार के मामले में संबंधित फाइलों को सतकर्ता अधिकारी को जमा नहीं करने का निर्देश दिया था। यह पत्र उनके पुराने रिपोर्ट का अगला हिस्सा है। पत्र में कहा गया है कि माननीय मंत्री के ये निर्देश जब दिनांक 15/5/2023 को पूर्व 11:30 प्राप्त हुआ, उस समय अधोहस्ताक्षरी से गोपनीय खंड में लगभग 76 फाइलें थी। इन फाइलों को माननीय मंत्री के निर्देश अनुसार जांच किए बिना केवल रिकॉर्ड करने के लिए सचिव को भेज दिया गया। यह ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि माननीय मंत्री ने अधोहस्ताक्षरी के फाइलों की जांच नहीं करने का निर्देश दिया था। राजशेखर का कहना है कि प्रिंसिपल ऑफ आर्म्स लेंथ के तहत किसी भी परिस्थिति में मंत्री को फाइलें स्थानांतरित करने का मानदंड नहीं है। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि मंत्री को सतकर्ता अधिकारी के जांच से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। हालांकि अपने अपने काम को पूरा करने के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। राजशेखर को हटाने के बाद दिल्ली सरकार ने कहा था कि राजशेखर के खिलाफ कई शिकायतें मिली है कि वह प्रोटेक्शन मनी की मांग करते हैं। आधिकारिक तौर पर 13 मई को उसने काम छीन लिया गया। अगर उनसे आधिकारिक तौर पर काम वापस ले लिया गया तो फिर भी उनके पास सभी फाइलें कैसे हैं? जब उनका काम अन्य अधिकारियों को सौंपा जाता है तो कार्यालय प्रक्रिया की मांग होती है और उसे आधिकारिक रूप से सभी फाइलों को नए अधिकारियों को सौंप देना चाहिए।
कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नौकरशाही पर नियंत्रण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार नौकरशाहों और डेरिक्स अधिकारियों को परेशान करने लगी। इसको लेकर 8 IAS, IPS, IFS और डेरिक्स अधिकारियों ने उपराज्यपाल VK सक्सेना से दिल्ली सरकार और उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज की शिकायत की। इन अधिकारियों की शिकायत को देखते हुए और आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज की कार्य प्रणाली को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और सेवाओं का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर सेवाओं में, प्रशासन में नौकरशाहों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण दे दिया था। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने 20 मई 2023 को कहा था कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में तैनात कम से कम 8 अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर घोर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसके बाद बता दें, रिपब्लिक के अनुसार मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अपनी शिकायत में लिखा था कि आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उसे कहा, ऐसे कैसे साइन नहीं करेगा, तेरे को करना ही पड़ेगा, इसके बाद तेरा करियर खत्म, तेरी तो जिंदगी बर्बाद करके रखूंगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धमकी दी जा रही थी, धमकाया जा रहा था, सारी चीजें जो है सामने आ रही थी। और अब जो है ये खुलासा हो चुका है, CCTV फुटेज सामने आए कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे, ये आरोप बिल्कुल भी गलत नहीं थे, ना ही निराधार थे। बीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है और वो सौरभ भारद्वाज का इस्तीफा जो है बीजेपी मांगती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता परवेश साय सिंह ने लिखा, आखिर इन फाइल में ऐसे कौन से राज दफन है जो अरविंद केजरीवाल इन फाइलों को IAS अफसर राजशेखर के ऑफिस से रात को 2 बजे चोरी करवा रहे हैं। क्या शराब घोटाला, हवाला, राजमहल या किसी और घोटाले के अवैध भ्रष्टाचार के सबूत इनमें छिपे हैं? वही बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने लिखा, दिल्ली सचिवालय में रात 2 बजे IAS राजशेखर के केबिन से फाइलें निकालते हुए संदिग्ध CCTV में साफ दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल किसके इशारे पर यह सब हो रहा है? क्या शराब घोटाले अपने राजमहल की फाइलों को छुपाने का प्रयास है? केजरीवाल, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अपने पापों पर पर्दा नहीं डाल पाओगे। जनता के सामने भ्रष्टाचारी आपकी पोल जो है खुल चुकी है। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा, अध्यादेश पर केजरीवाल जी का असली दुख यही है, किसके कहने पर शराब घोटाले और शीश महल जैसे मामलों की जांच कर रहे IAS राजशेखर जी के कमरे में फाइलें निकाली गई। अरविंद केजरीवाल जी, रात के अंधेरे में किसी अधिकारी के कमरे में क्यों खुलवाया गया आम आदमी पार्टी ने? सबूतों से छेड़छाड़ करना अपराध है। इसी तरीके से प्रतिक्रियाएं जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है और इस मामले में अब साफ तौर पर बीजेपी सौरभ भारद्वाज का इस्तीफा भी मांगती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक और बड़ा खुलासा हुआ है, CCTV फुटेज सामने आई है और IAS राजशेखर जो अपने ऊपर जासूसी का आरोप लगा रहे थे वो आरोप सही और सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।